गुड आफ्टरनून गाइस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून आकांक्षा, कृष्णा, अनिल, सभी को गुड आफ्टरनून। तो सभी लोग सेशन में जुड़ जाइए एंड वेलकम। हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, जरा एक बार मुझे बताइए। हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून संजीव, गुड आफ्टरनून। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, सो गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी सिलॉक्स के बारे में, और हमने जाना था किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन्स को किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और बोला था उन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे किया। ओके, शेयर कर दिया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन पजल्स। तो जितने भी पजल्स के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं या बन चुके हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कल के जो दो क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उससे भी पहले नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देयर विल बी 5 क्लासेस इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो कुछ कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास का। जस्ट आपको क्या करना है, जो नोटिफिकेशन बार है यहाँ पे आप उस नोटिफिकेशन बार को ऑन कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो जो भी उस चैनल पर, उस पर्टिकुलर हमारे चैनल पर IFS एप्टीट्यूड पर जो भी लेक्चर्स या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी लेक्चर का नोटिफिकेशन चाहिए कि भाई ये लेक्चर मुझे देखना है, जैसे कि वेन डायग्राम, आई वॉन्ट टू सी दिस पर्टिकुलर लेक्चर वेन डायग्राम, तो उसके नीचे ही ऑप्शन आता है नोटिफाई मी का, तो वो पर्टिकुलर आपको लेक्चर ही का ही नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिससे कि आप जब मैं लाइव आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो, और ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल बोला था करने को, किस किस ने इसका आंसर किया जरा पहले तो मुझे ये बताइए। टेल मी, इसका आंसर किस किस ने कर दिया। स्टेटमेंट्स हमको दे रखा है, सम काइंड आर मैन, ऑल मैन आर कैश, नो कैश इज चेक। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, चलिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन को। सम काइंड आर मैन, यानी कि सम काइंड आर मैन, ऑल मैन आर कैश, ऑल मैन आर कैश, नो कैश इज चेक, नो कैश इज चेक, नो कैश इज चेक। सबसे पहले हम लोगों ने इसका डायग्राम बना लिया है, अब एक एक करके कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कहता है नो मैन इज चेक, कोई भी मैन का पार्ट चेक का पार्ट नहीं होगा, नो मैन विल बी चेक, ये एकदम ठीक है, क्योंकि कोई भी कैश अगर चेक नहीं है तो ऑटोमेटिकली मैन भी चेक नहीं हो सकता, क्योंकि कैश के अंदर ही तो मैन आ रहा है, दैट्स वाई इसका कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं होगा, ये एकदम ठीक है। सम कैश इज काइंड, यानी कि कुछ जो कैश का पार्ट है वो काइंड होगा, कुछ कैश का पार्ट काइंड होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट जो मैंने शेड किया है ये तीनों में कॉमन है, मैन में भी, काइंड में भी और कैश में भी, दैट्स वाई सम कैश इज काइंड विल बी राइट, यानी कि बोथ 1 एंड 2 विल बी फॉलोड। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है किसी को, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसके बारे में क्या ख्याल है भाई, इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है?
तीन स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है और चार ऑप्शंस। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 विल फॉलो। देखो यहां पे कैन, नेवर, कैन बी, यानी कि पॉसिबल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। सम आर्म आर लेग, सम आर्म आर लेग, ठीक है भाई। नो लेग आर शू, नो लेग आर शू, ठीक है। ऑल शूज आर सॉक्स, ऑल शूज आर सॉक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑल आर्म कैन नेवर बी शू, यानी कि ऑल आर्म, सारे के सारे आर्म, कैन नेवर बी शू, वो आर्म कभी भी शू नहीं हो सकते। ऑल आर्म कैन नेवर बी शूज, ये एकदम ठीक कह रहा है। क्यों? अच्छा, हमें पता है नो लेग कैन बी शू, कोई भी लेग का पार्ट शू नहीं हो सकता, तो भाई सारा का सारा आर्म का पार्ट भी शू नहीं हो सकता। क्यों? ये जो आर्म का पार्ट है, जो ऑलरेडी लेग के अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट कभी भी शू का पार्ट नहीं हो सकता। दैट्स वाई आर्म का पार्ट, सारा का सारा आर्म का पार्ट शू का पार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जब नहीं हो पाएगा शूज, तो पूरा का पूरा हो ही नहीं सकता। यानी कि दिस विल बी राइट, एकदम ठीक है। कैन बी का मतलब समझते हो, यानी कि पॉसिबल पूछ रहा है। सम शॉक्स कैन बी आर्म, कह रहा है कुछ जो शॉक्स हैं वो आर्म हो सकते हैं, कैन बी पूछ रहा है हमसे। जब भी कैन या पॉसिबिलिटी पूछे, यानी कि ही इज आस्किंग यू, सम शॉक्स कैन बी आर्म, कुछ शॉक्स का पार्ट आम हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, शॉक्स का पार्ट आम पार्ट हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी डायरेक्टली नो का रिलेशन नहीं है, तो दिस कैन बी हैपन। अगर ये बिना पॉसिबिलिटी के पूछता, सम शॉक्स आर आम कहता, तब ये गलत हो जाता, क्योंकि कुछ शॉक्स का पार्ट आम यहाँ पे हमको दिख ही नहीं रहा, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, दैट्स वाई दिस विल बी रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे हमसे पॉसिबल पूछ रहा है, कैन बी, कैन बी का मतलब कैन बी, क्या ये ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन सर्टेन नहीं है। जितना पूछ रहा है उसका आंसर है यस, यानी कि बोथ विल बी राइट इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 विल बी फॉलोड, ठीक है। तो यही चीज है पॉसिबल स्टेटमेंट्स, इज इट क्लियर? तो आई डोंट थिंक किसी को अब इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज पजल। तो पजल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट या लीनियर रो अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि कुछ लोग एक सर्किल में बैठे हुए हैं आमने सामने, इस तरह से 8 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, इस तरह से हमको एक सर्कुलर टेबल के अराउंड कुछ लोगों को बैठा के उसका अरेंजमेंट करवाएगा। लीनियर रो अरेंजमेंट के अंदर कुछ लोगों को इस तरह से लीनियर रो, यानी कि एक सिंगल लाइन में इस तरह से बैठा देगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर रो अरेंजमेंट, ठीक है। नंबर 3 आगे आएगा, हाइट, वेट और वी कैन से क्वांटिटी कंपैरिजन। क्वांटिटी को कंपेयर हम यहां पे करेंगे, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर कॉल्ड
पजल क्वेश्चंस, ठीक है। लेक्चर्स का देखो प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, आप जाके एक बार चेकआउट करो। जितने भी मेरे लेटेस्ट जो लेक्चर्स हैं वो एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं पे हम नए नए जो लेक्चर्स हैं उनको हम वहाँ पे ऐड करते रहते हैं, वहाँ पे एक बार आप चेकआउट करिए, ठीक है। तो अब सीधे आप क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में बहुत बार बताया है आपको कि किस तरह से सर्कुलर पजल्स, लीनियर पजल्स और क्वांटिटी कंपेरिजन के क्वेश्चंस किए जाते हैं। चलो एक आसान से सवाल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अ सर्कुलर अरेंजमेंट। चलो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक क्लू दे रहा है, ध्यान से देखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि यहां पर आठ दोस्त बैठे हुए हैं, आर सीटेड इन अ सर्किल फेसिंग द सेंटर, यानी कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड आठ लोग बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। डी इज बिटवीन बी एंड जी एंड एफ इज बिटवीन ए एंड एच, यानी कि जो डी पर्सन है बी और जी के बीचों बीच बैठा है और एफ जो पर्सन है ए और एच के बीचों बीच बैठा हुआ है। ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ई की जो पोजिशन है वो क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए बैठा है। देन वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज पोजिशन, ए की पोजिशन क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। करिए भाई इस क्वेश्चन को करिए। सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बनाइए और उसके अराउंड इन आठ लोगों को आपको बैठाना है। बिल्कुल आते हैं लाइफ साइंस से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लाइफ साइंस हो जाए चाहे फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल केमिकल साइंस, हर जगह इस तरह के क्वेश्चंस आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन एक जरूर बनता है। पजल के क्वेश्चन में मेन चीज़ है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से किया जाए। देखो क्वेश्चन को वहाँ से स्टार्ट करना सही रहता है जहाँ पे चीज़ें फिक्स रहती हैं, यानी कि जो चीज़ फिक्स है जिसकी पॉसिबिलिटी और फर्दर नहीं बन रही, इस तरह से हमें वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर टू, ओके ऑल राइट। सबसे पहले आपको एक सर्कुलर टेबल बनाना है और इस तरह से आठ लोगों को बैठाना है। चार लोग ये हो गए, पांच छः सात आठ। जब भी इवन नंबर ऑफ पर्संस बैठेंगे, यानी कि चार छः आठ दस, ये इवन नंबर ऑफ पर्संस बैठेंगे तो हर एक पर्सन के सामने दूसरा पर्सन बैठेगा, तो ये तो सर्टेन। ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, ओके। चलो 15 सेकेंड्स और है, टाइम लो, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आठ लोगों को मुझे यहां पे बैठाना है। कह रहे डी इज बिटवीन बी एंड जी, डी कहां पे है, बी और जी के बीचों बीच में है। एफ इज बिटवीन ए एंड एच, एफ ए और एच के बीचों बीच में है। एंड ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो क्यों ना हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि बी और जी के बीच में डी, यहाँ पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। कैसे, बी डी जी ऐसा भी पॉसिबल है, बी डी जी ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में है, ए का फर्स्ट राइट ये हो जाएगा, ए का सेकंड राइट ये हो जाएगा, यानी कि ई सेकंड सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, पहली चीज। अब देखो ए वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, अब नेक्स्ट हमको यहां से इसको पकड़ना चाहिए क्वेश्चन को। अब कह रहे ए और एच के बीच में एफ बैठा है, भाई ए और एच अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो ऑलरेडी यहां पे ई बैठा हुआ है, तो बीच में एफ तो बैठ नहीं पाएगा फिर यहां पे,
यानी कि हमको इस साइड बनाना पड़ेगा, ए और एच के बीच में एफ यानी कि इस साइड बैठेगा, ठीक है, ये चीज फिक्स हो गई। उसके बाद बी और डी के बीच में, बी और जी के बीच में डी बैठेगा। अगर बी को यहां पे बैठाया जाए और जी को यहां पे बैठाया जाए तो उसके डी बीच में बैठेगा यहां पे, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। एक यहां पे और पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर बी को यहां पे बैठाया जाए और जी को यहां पे बैठाया जाए तो डी यहां पे बैठेगा बीच में। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। यही हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, विच इज द फॉलोइंग एज पोजिशन, यानी कि इसमें से ए का पोजिशन क्या है, लेफ्ट ऑफ एफ, ए जो है एफ के लेफ्ट में है क्या, नहीं, ये एफ का राइट है, दिस इज राइट ऑफ एफ, ये तो गलत है। राइट ऑफ एफ एफ के राइट में है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर टू ठीक है एकदम। फिर कह रहा है बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में है, नहीं, यहाँ पे एक और पर्सन बैठेगा कोई, कौन पर्सन होगा वो, ए बी सी, सी बैठेगा यहाँ पे, तो ये भी गलत है, कैन नॉट डिटरमाइन, ये तो है ही गलत, नहीं, ऑप्शन नंबर टू। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है वो मेन चीज़ है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सही जगह से स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन बनता चला जाएगा, गलत जगह से स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल ये रहा। क्या कह रहा है देखो इसको, 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई फॉर्म अ क्यू, यानी कि एक लाइन में खड़े हुए हैं 5 लोग, ए बी सी डी ई, सी एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सी और ई क्या है, एक दूसरे के नेक्स्ट है। ए हैज 1 पर्सन अहेड ऑफ हिम, यानी कि ए के आगे एक पर्सन है, एंड हैज एटलीस्ट 1 पर्सन सेपरेटिंग हिम फ्रॉम बी, कह रहा है कम से कम एटलीस्ट 1 पर्सन है जो कि ए और बी को सेपरेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली ट्रू, इन चारों में से सर्टेनली ट्रू वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वी हैव टू फाइंड दैट। सर्टेनली ट्रू का मतलब हर हाल में जो स्टेटमेंट सही होगा हर एक पॉसिबिलिटी के अंदर। करिए इसको, हाउ वी कैन अरेंज दीज 5 पर्सन इन अ क्यू, एक लाइन के अंदर इन 5ों को अरेंज करना पड़ेगा हमको। और फिर ऑप्शंस कह रहा है ए एंड डी आर नेक्स्ट टू इच अदर, ए और डी एक दूसरे के नेक्स्ट हैं, ए और ई एक दूसरे के नेक्स्ट हैं, डी और ई नेक्स्ट हैं या बी और सी नेक्स्ट हैं, वी हैव टू फाइंड दैट। एनी वन, आया किसी का आंसर तो बताइए। देखो खुद से आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ट्राई करोगे क्वेश्चन को, तो उतना ही आपका जो पॉसिबिलिटी है किसी नए क्वेश्चन को कर लेने का वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं करूँगा आप उसको देखोगे केवल, तो आपका जो खुद का अप्रोच है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर वन आ रहा है, ओके गुड। यानी कि ए और डी नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, चलिए देखते हैं। हमसे कह रहा है सी एन ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि सी और ई आपस में क्या पड़ोसी हैं, सी के बगल में हमेशा ई होगा। ए हैज 1 पर्सन अहेड ऑफ हिम, यानी कि ए के आगे एक पर्सन है, भाई अगर कोई लाइन में पर्सन लगा है तो ए के आगे केवल ए अगर एक ही पर्सन है तो बाकी के 3 लोग ए से पीछे होंगे, बाकी 3 लोग ए के पीछे होंगे। अगर ए से आगे केवल एक ही पर्सन है तो
तो ए के पीछे कितने लोग होंगे? तीन लोग, तभी तो कुल मिला के पांच लोग होंगे। आगे कह रहे सी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एंड ए हैज 1% अहेड ऑफ हिम एंड हैज एटलीस्ट 1% सेपरेटिंग हिम फ्रॉम बी। यानी कि ए और बी के बीच में एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1% तो होगा ही होगा, हो सकता है एक से ज्यादा दो भी हो, या दो से ज्यादा अगर पॉसिबल है वो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ए और बी के बीच में 1% तो होगा। तो देखो पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं, अगर ए एक छोड़ के बी यहां पे बनाता हूं, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए दो छोड़ के बी, ऐसा हो सकता है क्योंकि ए और बी के बीच में कम से कम 1% तो है ही, तो दो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे कि सी और ई आपस में पड़ोसी हैं, तो भाई यहाँ पे तो पड़ोसी बन नहीं पाएंगे, किसी भी हाल में पड़ोसी बनने के लिए दो स्पेस खाली होनी चाहिए, तो अगर सी यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पे हो सकता है, अगर ई यहाँ पे है तो हमारा सी यहाँ पे हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन ये वाला तो गलत हो जाएगा। जो बाकी बच गया ए बी सी डी, डी को यहाँ पे बैठा दो, तो दिस विल बी अवर फाइनल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, इसमें से जो सर्टेनली ट्रू है, हर हाल में जो सच है वो क्या है, ए और डी एक दूसरे के नेक्स्ट होंगे। ये तो भाई हर हाल में सही है क्योंकि ए और डी की जो पोजीशन है वो फिक्स है, ए यहीं बैठेगा सेकंड प्लेस पे, डी फर्स्ट प्लेस पे ही बैठेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड ई आर नेक्स्ट टू इच अदर, ए और ई की पोजिशन नेक्स्ट टू ईच अदर हर हाल में सही नहीं हो सकती, किसी एक पर्टिकुलर केस में हो सकती है जब ई की पोजीशन यहाँ पे हो, लेकिन सी भी हो सकता है यहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है, सर्टेनली ट्रू तो नहीं है, ना ये ना ये ना ये, नहीं ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछेगा आपसे, सर्टेनली ट्रू, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा सर्टेनली ट्रू कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दिस इज पी वाई क्यू, करिए इसको। अमंग ए बी सी डी देर इज अ लॉयर डॉक्टर टीचर एंड जर्नलिस्ट, चार लोग हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो हमको दे रखा है, दे ड्रिंक एग्जैक्टली वन ईच ऑफ टी कॉफी लेमनेड एंड मिल्क। यानी कि चारों लोग कुछ ना कुछ बेवरेजेस पी रहे हैं, टी कॉफी लेमनेड एंड मिल्क। इफ नाइदर द लॉयर नॉर द टीचर ड्रिंक मिल्क, बी ड्रिंक कॉफी, ए इज द टीचर एंड सी इज द डॉक्टर एंड ड्रिंक्स टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यानी कि हमको यहाँ पे बताना है कि जो फॉल्स, जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, करिए इसको ट्राई टू सॉल्व। सबको सही ऑर्डर में लगाना है, जिसका प्रोफेशन जो है और जो ड्रिंक वो पी रहा है उसको हमें अरेंज करना है, उसके बाद हमको बताना है कि इन चारों में से फॉल्स कौन सा है।
एनीवन या अरेंज ठीक ऑलराइट। देखो चार लोग हैं, अब एक एक करके उनका जो प्रोफेशन है और जो ड्रिंक्स पी रहे हैं उनको हम अरेंज करते हैं। ए बी सी डी, दे ड्रिंक एग्जैक्टली वन ईच ऑफ टी कॉफी लेमनेड एंड मिल्क। इफ नाइदर द लॉयर नॉर द टीचर ड्रिंक मिल्क, यानी कि ना ही लॉयर और ना ही टीचर मिल्क पीना पसंद करता है। आगे देखो, बी ड्रिंक्स कॉफी, बी क्या कर रहा है, कॉफी पी रहा है। बी ड्रिंक्स कॉफी, ए इज द टीचर, ए एक टीचर है, एंड सी इज द डॉक्टर एंड ड्रिंक्स टी। सी एक डॉक्टर है और टी पीना पसंद करता है। उससे पहले हमसे यहां पे बोल रहा था नाइदर अ लॉयर नॉर अ टीचर ड्रिंक्स मिल्क, यानी कि जो टीचर है वो मिल्क नहीं पिएगा, तो मिल्क के लिए एक ही जगह बची ये वाली, तो डी को मिल्क पीना पड़ेगा। बाकी जो लेमनेड है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर लेमनेड फिर ए को पीना पड़ेगा। अब बात रही टीचर की, टीचर भी मिल्क नहीं पी रहा है भाई, अगर यहाँ पे मिल्क है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे टीचर तो आएगा नहीं, क्योंकि टीचर मिल्क नहीं पिएगा तो ऑब्वियसली फिर टीचर क्या पिएगा, कॉफ़ी। बाकी जो बचा, सॉरी टीचर तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया ना, नाइदर टीचर नॉर लॉयर, अच्छा लॉयर नहीं आएगा तो यहाँ पे लॉयर आ जाएगा, दिस विल बी लॉयर। और डी में जो बचा दैट विल बी अ जर्नलिस्ट। तो इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर देंगे, क्लियर। अब कह रहा है इसमें से फॉल्स कौन सा है, ए ड्रिंक्स लेमनेड, ए लेमनेड पी रहा है, भाई ये तो सही है, ये फॉल्स तो नहीं है। बी इज द जर्नलिस्ट, बी एक जर्नलिस्ट है, ये फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी विल बी रॉन्ग। द लॉयर ड्रिंक्स कॉफी, लॉयर ड्रिंक्स कॉफी, ये तो ठीक है। डी ड्रिंक्स मिल्क, डी मिल्क पी रहा है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू विल बी फॉल्स। क्लियर, वी हैव टू अरेंज देम इन दिस ऑर्डर, ये प्रोफेशन है और ये ड्रिंक्स। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू अरेंज देम इन दी ऑर्डर, आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। सिक्स स्टूडेंट पी क्यू आर एस टी यू विद डिस्ट्रिक्ट हाइट, यानी कि सबकी जो हाइट है अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट हाइट, कंपेयर देयर हाइट एंड मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर वन, एस इज टॉलर देन आर, क्यू इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, यू इज टॉलर देन ओनली वन स्टूडेंट, T is taller than S but not the tallest. इसके अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर टॉलर देन R इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्टर देन whom? T, R, S और P. करिए नेक्स्ट वीक से जो हमारा क्लास रहेगा दैट विल बी एट 11 AM, ठीक है, जो अपना यूजुअल टाइम पहले था उसी पे ही अपना क्लास रहेगा एट 11 AM, तो आप लोग ज्वाइन हो जाना। क्लास विल बी ऑन 3rd of October, ठीक है, फिर 2 अक्टूबर को तो हॉलीडे रहेगा, द क्लास विल बी रिज्यूम ऑन 3rd of October। जो क्लासेस शेड्यूल हैं वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके के बाद देख लेना कौन कौन सी क्लासेस हैं। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ओके, यानी कि एस।
चलो देखो, वी हैव टू अरेंज देम कैसे, इन 6 लोगों को हमें उनकी हाइट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, जिसको मैं अभी बोल रहा था क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वांटिटी को कंपेयर करना है। कह रहा है एस इज टॉलर देन आर, एस इज टॉलर देन आर, ये हो गया। क्यू इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, क्यू क्या है, सबसे छोटा है, क्यू से छोटा कोई भी नहीं है फिर, यानी कि क्यू से छोटा कोई भी नहीं है पीछे। यू इज टॉलर देन ओनली वन स्टूडेंट, यू जो है जो टॉलर है केवल एक ही स्टूडेंट से टॉलर है। जब हमको पता है क्यू सबसे छोटा है और यू केवल एक ही पर्सन से लंबा है, ऑब्वियसली फिर यू कहाँ पे आएगा, सेकेंड पोजिशन पे। दिस इज पोजिशन नंबर वन, दिस इज पोजिशन नंबर टू। टी इज टॉलर देन एस, टी क्या है, एस से टॉलर है बट नॉट द टॉलेस्ट, लेकिन सबसे लंबा नहीं है, इससे भी लंबा फिर एक पर्सन और हो सकता है, क्योंकि कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पांच, तो फिर इससे आगे क्या होगा, केवल एक ही पर्सन होगा, सिक्स। तो इस तरह से हमको इसको अरेंज करना था। तो छठा पर्सन कौन होगा, पी, हाँ पी, समझ आ गया। अब कह रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर टॉलर देन आर, यानी कि जितने भी लोग आर से टॉलर हैं, आर से टॉलर कितने लोग हैं, तीन लोग, एस टी और पी, थ्री पर्सन आर टॉलर देन आर इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शॉर्टर देन, यानी कि ये तीन लोग हैं किस पर्सन से छोटे हैं, यानी कि जितने लोग आर से बड़े हैं उतने ही लोग किस पर्टिकुलर पर्सन से शॉर्टर हैं, वो होंगे किससे, एस से, दैट विल बी एस। इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन हु आर शॉर्टर देन आर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन एस। एस से छोटे कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, आर से बड़े कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, वही क्वेश्चन में पूछ रहा था, एस से छोटे तीन लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मान के चलो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है एग्जाम में, क्योंकि तो आप एक बार को क्वेश्चन तो बना लोगे पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये जो आईफेस का ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम पे तो हालांकि आपको पीडीएफ मिलता है, यहाँ भी आपको पीडीएफ और डीपीपी मिलेगा फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, जिसमें और भी नए फीचर्स हैं, जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, क्या कह रहा है इसको पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। फाइव पर्सन्स पी क्यू आर एस टी आर टू बी सीटेड ऑन इन अ रो, यानी कि ये पांच लोग हैं एक रो में बैठे हुए हैं, ऑल फेसिंग द सेम डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन सेम फेस करते हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी कि इसका जो ऑर्डर है सेम नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी इस तरह से लाइन से नहीं बैठे, कोई अलग सा अरेंजमेंट है, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट है, वो आपको खुद बताना है क्या है। पी एंड टी कैन नॉट बी सीटेड एट आइदर एंड, क्वेश्चन को पढ़िए और करिए, अच्छा सवाल। बट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जिसने सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे कितने सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर, यानी कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रही होगी, वो हमको बतानी है अलग अलग पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही, टू फोर थ्री और फाइव, ऑप्शन नंबर ए, ओके ऑल राइट।
और किसी का आंसर बताइए, एनीवन? ऑप्शन वन। देखो पांच लोग हैं, उनको एक रो के अंदर मुझे बैठाना है। वी हैव टू मेक देम, वी हैव टू मेक एन अरेंजमेंट इन विच दे आर सिटिंग इन अ रो। ऑल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। पी एंड टी कैन नॉट बी सीटेड एट आइदर एंड ऑफ द रो। कहने का मतलब यह है जो पर्सन पी और टी है वो किसी भी एंड रो में नहीं बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पांच लोग ऐसे बैठे हैं तो पी और टी यहाँ पे एंड पे नहीं बैठेंगे, आखिरी में नहीं बैठेंगे, कहीं बीच में बैठेंगे, तीन जगह पे। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। पी शुड नॉट बी सीटेड एडजेसेंट टू एस। पी कह रहा है एस के एडजेसेंट यानी कि पी एस के पड़ोस में नहीं बैठ सकता, दूसरी कंडीशन। आर इज टू बी सीटेड एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। आर इज टू बी सीटेड एट द सेकेंड पोजिशन। आर कहाँ पे बैठेगा? लेफ्ट से सेकेंड पोजिशन पे बैठेगा, ये चीज फिक्स हो गई है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 पांच लोग हैं, पांच लोगों में से लेफ्ट से सेकेंड में एस बैठ जाएगा और पी और टी कहीं एंड पे नहीं बैठेंगे। अगर एंड पे नहीं बैठेंगे तो ऑब्वियसली यही पोजीशन बची है पी और टी के लिए। तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि पी अगर यहाँ पे बैठेगा तो टी यहाँ पे बैठेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी टी अगर यहाँ पे बैठेगा तो पी अगर यहाँ पे बैठेगा। तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस। आगे हमसे कह रहा है कि पी और एस पड़ोस में नहीं बैठेगा। भाई पी के पड़ोस में एस नहीं बैठ सकता, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी। दैट्स वाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी को हटा दो। फिर क्या कह रहा है? आर इज टू बी सीटेड टू द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द, ये ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा था? पी एंड टी कैन नॉट बी सीटेड एट द एंड ऑफ द रो, पी शुड नॉट बी सीटेड एट द एंड ऑफ एस। ठीक है, बस इतना ही कह रहा है। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई? यहाँ पे देखो क्यू और आर इनकी पोजिशन हमको नहीं पता। अब हो सकता है क्यू यहाँ पे हो, आर यहाँ पे हो सकता है आर यहाँ पे हो, क्यू यहाँ पे हो, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। बाकी सब कुछ तो फिक्स है, यानी कि देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आर सिट लेफ्ट सेकेंड पोजिशन, जस्ट अ सेकेंड। आर की जो पोजिशन है ये तो दे रखी है हमको क्वेश्चन में, आर इज टू बी सीटेड एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। जस्ट अ सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ा है, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड। ये वाला स्टेटमेंट देखो मैंने मिस कर दिया, दैट्स वाई यहाँ पे दो ही अरेंजमेंट बन रहे हैं। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 हमसे कह रहा है ना आर इज टू बी सीटेड एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। आर यहाँ पे सेकेंड पोजिशन में बैठेगा, ये तो ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी बैठा रखा था। आर की पोजिशन फिक्स है, मैंने क्या करा एस की पोजिशन को फिक्स कर दिया गया। ओके ठीक है, क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा अगर गड़बड़ होती है ना क्वेश्चन में, आर की जगह एस लिख दोगे तो पूरा क्वेश्चन ही फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई आर हो गया। फिर कह रहा है पी शुड नॉट बी सीटेड एडजेसेंट टू एस, पी एस के एडजेसेंट नहीं बैठेगा, तो एक पी यहाँ पे बैठ सकता है और टी यहाँ पे बैठ सकता है। अगर यहाँ पे टी बैठेगा तो यहाँ पे पी बैठेगा, ये पॉसिबिलिटी हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है? जो एस है पी के एडजेसेंट नहीं बैठेगा, तो भाई एस यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, तो एस हो सकता है यहाँ पे बैठ जाए, हो सकता है एस यहाँ पे बैठ जाए, तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है यहाँ पे ऐसे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और बन सकती है कि एक बार एस यहाँ पे बैठ जाए, एक बार एस यहाँ पे बैठ जाए। लेकिन इस वाले केस में एस यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो केवल एक ही पोजीशन होगी एस की, वो होगी ये एस आर टी पी और एक जो बचा पर्सन दैट इज क्यू, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। यानी कि देयर विल बी थ्री सच केसेस, यहाँ पे तीन ऐसे केसेस बनेंगे, हाँ तीन पॉसिबल वे हो गए। ठीक है, वहां पे मैंने गलती से आर की जगह एस लिख दिया,
इस वजह से वहां पे दो ही केस बन रहे थे, बट एक्चुअल में देयर विल बी थ्री केसेस। समझ में आ गई बात सभी को? यहाँ पे आर है नॉट एस, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे लेफ्ट से आर बैठे। क्रिस्टल क्लियर? ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है जब भी क्वेश्चन को करना है। यहां पे सेवन पर्सन्स हैं, सेवन पर्सन्स की हाइट को यहां पे कंपेयर किया गया है। वी आर कंपेयरिंग द हाइट्स ऑफ सेवन पर्सन्स इस तरह से, कुछ इस तरह से करिए इसको। वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन ई। ई से जो शॉर्टर पर्सन है कितने हैं, टू थ्री वन और फाइव। अरेंज करिए इन सात लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर। एनीवन? ऑप्शन नंबर डी ओके, यानी कि फाइव। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट यू हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे जैसे आपको एक दूसरी चीजें कनेक्टेड दिख रही हैं, आप उनको वहां पे बना सकते हो, और पॉसिबिलिटीज के जो केसेस है वो भी आप बनाते चलते। ऑप्शन फोर ठीक है। देखो सात लोग हैं, अलग अलग हाइट है, ए इज टॉलर देन बी। इसका मतलब क्या है, ए क्या है टॉलर है किससे, बी और सी दोनों से। ए अगर बी और सी दोनों से टॉलर है तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे हो सकता है, ए इज टॉलर देन बी एंड सी। हो सकता है बी सी से भी बड़ा हो, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सी बी से बड़ा हो, क्योंकि ए क्या है बी और सी दोनों से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए तो यहां पे आएगा, उसके पीछे कहीं पे बी और सी आएंगे। अब बी पहले आएगा सी पहले आएगा हमको नहीं पता, हमने दोनों पॉसिबिलिटी यहां पे बना ली। आगे देखो, सी इज शॉर्टर देन ई, सी क्या है सी से शॉर्टर है, सी इज शॉर्टर देन ई बट टॉलर देन डी, यानी कि सी जो है शॉर्टर है ई से बट टॉलर देन डी, बट टॉलर देन डी, इस तरह से हमें बनाना है। तो देखो जरा ध्यान से, सी से जो टॉलर है वो कौन होगा, ई होगा, हो सकता है कहीं आगे हो हमें नहीं पता कहाँ पे, बट सी इज ग्रेटर देन डी इस तरह से। उसी तरह से अगर यहाँ पे बनाओगे, सी से ग्रेटर है ई और सी से जो सी इज ग्रेटर देन डी, यानी कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक इस तरह से। चलो इसको बाद में बना लेंगे, इसको अभी ऐसे छोड़ो। फिर कह रहा है ई इज टॉलर देन बी, ई इज टॉलर देन बी, ई क्या है बी से टॉलर है। अगर ई बी से भी टॉलर है तो ई फिर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा इससे आगे, बट शॉर्टर देन ए, बट ई क्या है ए से शॉर्टर है, तो ऑब्वियसली फिर यहां पे बीच में आएगा, यानी कि इस तरह से ए फिर ई फिर
फिर बी, फिर सी, फिर डी। और अगर यहाँ पे बात करें, ए से शॉर्टर है ई, लेकिन ई इज टॉलर देन बी, ई बी से टॉलर है, तो ऑब्वियसली फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ सकता है इस तरह से, सी बी इधर कहीं पे डी, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है ई यहाँ पे भी आए। ठीक है, आगे देखो, फिर कह रहे हैं बी इज टॉलर देन डी, बी इज टॉलर देन डी, बी क्या है, डी से टॉलर है, ठीक है। जी इज टॉलर देन एफ, जी इज टॉलर देन एफ बट शॉर्टर देन डी, कह रहे हैं जी इज टॉलर देन एफ बट शॉर्टर देन डी, यानी कि डी के पीछे कौन आएगा, फिर डी के पीछे आएगा इस तरह से जी, जी के पीछे आएगा एफ। तो एक्चुअली दिस विल बी द फाइनल अरेंजमेंट, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगा। अगर हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन ई, ई से शॉर्टर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो देर विल बी 5 पर्सन शॉर्टर देन ई, ई से शॉर्टर 5 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहला वाला जो केस है वो ठीक होगा। ठीक है, हाँ कांक्षा, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था आपका कमेंट सेक्शन के अंदर, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसा कोई क्वेश्चन सेंस बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है श्याम स्पेंड हाफ ऑफ हिज मनी एंड वॉज लेफ्ट विद एज मैनी एज ही हैड रुपीज बिफोर, यानी कि उसने जितना उसके पास पैसा था उसने अगर हाफ स्पेंड कर दिया तो उसके पास उतना पैसा कैसे बचा जितना उसके पास पहले था, ऐसा क्वेश्चन का कुछ सेंस बनाता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है मे बी कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो इस क्वेश्चन के, ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारी जो फर्स्ट 2 लाइन्स है ना उसका कुछ मीनिंग निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट स्टिल वी विल सी कि भाई इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, इसको सर्च करना पड़ेगा एक बार। सीएसआर केमिस्ट्री में पूछा था क्वेश्चन, तो एक बार इसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, क्योंकि तो मुझे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। ओके चलो क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन को देख लो, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम देख लेंगे, क्योंकि इस बार जो केमिस्ट्री का जो पेपर है हमने सॉल्व किया था, बट इस तरह का कोई क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिला नहीं था, बट स्टिल वी विल सी दैट, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट का ये सवाल है, वी हैव टू फाइंड द पर्सन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के जो इमीडिएट नेबर है वो क्या होगा। TWENTY ONE का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके चलो इस क्वेश्चन को करिए जरा। बताइए भाई किस तरह से यहाँ पे एक अरेंजमेंट यहाँ पे बनना चाहिए, सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल है। स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक पॉसिबिलिटी बनेगी, यू हैव टू सी दैट।
ऑप्शन सी डी टी एन पी। ओके ठीक है, और बताइए, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन थ्री। चलो देखो, सबसे पहले आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाना है, तो 8 लोगों को ऐसे बैठाना है। अब कह रहे, 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यानी कि चलो तो यहाँ पे देख लो कि 8 लोग हैं, उनको एक सर्कुलर टेबल में बैठाना है और सेंटर की तरफ सब लोग देख रहे हैं। तो 8 लोग हैं, सेंटर की तरफ सब लोग देख रहे हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। क्या कह रहा है? पी और क्यू के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। तो पी और क्यू को अगर इस तरह से आप बैठाओगे, मान लो दो अलग अलग केस हैं, पी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट, आर सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्या कह रहा है? आर जो पर्सन है वो इमीडिएट राइट बैठ रहा है क्यू के, और क्यू यहां पे है, क्यू का इमीडिएट राइट कहां पे होगा? यहां पे। और कह रहा है पी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो पी और क्यू के बीच में 2 लोग ऐसे बन सकते हैं, ऐसे 2 लोगों को छोड़ के। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि क्यू और पी को छोड़ के 2 लोग इधर हो, एक टूवर्ड्स लेफ्ट, एक बार टूवर्ड्स राइट, दोनों पॉसिबिलिटी है। फिर कह रहे हैं एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि यहाँ पे बैठ जाएगा। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कितने लोग? एस और टी के बीच में 3 लोग। भाई एस के सामने तो पी बैठा है, तो टी कैसे बैठ पाएगा? क्योंकि 3 लोग को छोड़ना है, चाहे लेफ्ट से छोड़ दो चाहे राइट से छोड़ दो, तो 3 छोड़ के उसके सामने वाला ही पर्सन आएगा, जो कि पी होगा, नहीं होगा टी होगा। एस के सामने टी होना चाहिए क्योंकि 3 लोगों को छोड़ना है, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला केस गलत हो जाएगा। यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि यहाँ पे बैठेगा। डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अगर वी यहाँ पे बैठेगा तो इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा? सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट होगा इधर, यानी कि दिस विल बी डब्ल्यू। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, दिस विल बी डब्ल्यू, यानी कि दिस विल बी योर फाइनल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के हिसाब से आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर कौन होगा? पी एंड टी, पी एंड टी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो एकदम सही आंसर है सभी का। ऑल राइट, चलिए ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से एंड ट्राई टू सॉल्व। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting around a circular table and facing inside the circle but not necessarily in the same order. 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, वैसे ही सेम है, पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? Q sits second to the left of P, 2 persons sit between P and S, who sit adjacent to U, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर हमसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड S when counted from the left of P। करिए इसको,
पी से अगर लेफ्ट में काउंट करोगे तो पी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये हमको बताना है। ऑल राइट चलो नाउ आठ लोग हैं, देयर आर एट पर्संस, ठीक है। कह रहा है क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, टू पर्संस सिट बिटवीन पी एंड एस, हु सिट्स एडजेसेंट टू यू, जो एस है यू के एडजेसेंट में बैठेगा, यानी कि एस और यू आपस में पड़ोसी होंगे। और यहाँ पे कह रहा है टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में दो लोग हैं, पी और एस यहाँ भी बन सकता है, पी और एस यहाँ भी बन सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमें लेनी पड़ेंगी। दोनों पॉसिबिलिटी को लेने के लिए एक और फिगर बनाना पड़ेगा, दिस विल बी पी, दिस विल बी क्यू। तो पी दो छोड़ के एस, पी दो छोड़ के एस यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर कह रहा है हु सिट्स एडजेसेंट टू यू, जो एस है यू के एडजेसेंट बैठेगा। भाई इस वाले केस में अगर देखोगे एस के एडजेसेंट तो क्यू बैठा है, तो ऑब्वियसली फिर यू कहाँ पे बैठेगा, इस साइड। लेकिन इस वाले केस में यू यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही हैं, तो आगे देखते हैं। फिर कह रहा है आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, आर जो है थर्ड टू द राइट ऑफ यू बैठेगा, यू के थर्ड राइट में, यानी कि वन टू थ्री यहाँ पे। अगर यू यहाँ पे बैठेगा इसका थर्ड राइट यहाँ पे होगा वन टू थ्री, तो आर यहाँ पे बैठेगा। अगर यू यहाँ पे बैठेगा तो इसका थर्ड राइट यहाँ पे होगा वन टू थ्री, इसका थर्ड राइट यहाँ पे होगा। तो एक काम करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी का यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यू आर, यू आर, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा था ना कि एस के एडजेसेंट कौन है, यू है, एस के एडजेसेंट यू है, तो एस के एडजेसेंट यहाँ पे यू हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है। फिर कह रहा है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, वन टू थ्री। तो ये तीन केसेस आपके बन रहे हैं, अभी इनमें से दो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर कह रहा है एंड थ्री पर्संस सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में तीन लोग हैं, आर के सामने कौन आएगा, टी। जब भी तीन लोग छोड़ेंगे ना आठ लोगों के अरेंजमेंट में, तो उसके सामने ही बैठेगा। आर के सामने टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एस है, ये तो गलत हो जाएगा। आर के सामने टी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी में वी बैठेगा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी में वी बैठेगा। फोर पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के अगर लेफ्ट से काउंट करोगे, एक ही जगह बची है यहाँ पे जो कि डब्ल्यू बैठेगा। कह रहा है डब्ल्यू के लेफ्ट से अगर काउंट करोगे तो चार लोग बैठेंगे डब्ल्यू और वी के बीच में, लेफ्ट में ये वन टू थ्री फोर देन वी, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो डब्ल्यू के लेफ्ट में एक दो तीन चार, यहाँ पे तो वी होना चाहिए, वी तो यहीं पे बैठा है, लेकिन दिस विल बी रॉन्ग, ये वाला अरेंजमेंट आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अरेंजमेंट आपका फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है यहाँ से हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पी, पी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, पी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं अगर पी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर, तो देर विल बी फोर पर्सन। भाई चार तो ऑप्शन में ही नहीं है, पाँच होगा नहीं, वन होगा नहीं, चार है। अब चार कैसे हैं, कह रहे एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, क्यू और एस के बीच में जितने लोग हैं, क्यू और एस के बीच में जितने लोग हैं अगर हम लेफ्ट ऑफ पी से काउंट करें, लेफ्ट ऑफ पी का मतलब सॉरी लेफ्ट ऑफ एस से काउंट करें, एस का लेफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, ठीक है। यानी कि इसे इनडायरेक्टली बताया कि उतने ही लोग बैठ रहे हैं
पी और एस के बीच में जितने क्यू और एस के बीच में बैठेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखो क्या कह रहा है, डायरेक्टली फोर नहीं बोला उसने, इसने ऐसे बोला एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट से अगर काउंट करोगे तो जितनी पोजिशन पे क्यू बैठेगा, जितने लोग क्यू और एस के बीच में बैठेंगे, उतने ही पर्सन पी और एस के बीच में भी बैठेंगे। इट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया, तो ये क्वेश्चन था मैं। तो तीन पॉसिबिलिटी बने जिसमें से ये दो आपकी गलत हो गई, तो दिस विल बी द राइट। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना खुद से, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है एज यूजुअल, और मुझे फिर बताना है इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, और जो पुराने जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो उनके क्वेश्चंस टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहो। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्री टाइम में या कभी भी आप उसको कर सकते हो, उसको करने में अच्छा ही लगता है, मज़ा आता है। क्वेश्चन को पजल के क्वेश्चन को करो, या स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो भी आपके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी करते रहो, और कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अलग से आपको टाइम देने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपको जब लगता है, जब फ्री टाइम मिलता है, तब आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, आपके इजीली वहां पे 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, यानी कि 3rd of October, आपका क्लास रहेगा 11 बजे सुबह, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाना, कुछ नए टॉपिक्स करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।